गुड मॉर्निंग। ये पार्ट फर्स्ट के लिए आदिकाल की पृष्ठभूमि अर्थात जो 1050 से 1375 के मध्य में जो साहित्य लिखा गया उसकी पृष्ठभूमि क्या है और उसकी लगभग लगभग मोटी मोटी विशेषताएं क्या है। पृष्ठभूमि में उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां, उस समय की सामाजिक परिस्थितियां, उस समय की धार्मिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, इन सब का अवलोकन करेंगे। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत छोटे छोटे खंडों में बट गया था, तो राजनीतिक जो परिस्थिति थी उस समय की, वो देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। और छोटी छोटी रियासतों में जो देश बटा हुआ था, जिसमें ग्वालियर की रियासत अलग, अजमेर की रियासत अलग, दिल्ली की रियासत अलग, हैदराबाद, इन सब छोटी छोटी रियासतों में जो देश बटा हुआ था, उनको आपस में किसी भी रियासत की कोई चिंता नहीं थी। कुल मिलाकर देश छोटे छोटों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, और उन छोटी छोटी रियासतों के जो सामंत हैं, उनको जो तथाकथित अपने आप को वो उस रियासत का सम्राट अर्थात राजा मानते थे, बादशाह मानते थे। तो कुल मिलाकर आदिकालीन जो राजनीतिक परिस्थिति है, वो देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। उन कवियों की जो राष्ट्रभक्ति थी, वो केवल अपनी रियासत तक सीमित थी। अब केवल रियासत तक जो उनकी सीमित थी, तो उनकी जो राष्ट्रभक्ति है, वो पूर्णतया संकुचित राष्ट्रीयता की भावना उसमें मिलती है। सामाजिक परिस्थिति की बात करें तो समाज पूरी तरह जातिवाद, धार्मिक आडंबर इन सब में और रूढ़िवादिता इन सब के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। आज का समाज 1000 वर्ष के बाद भी देहात जो समाज है, इन पुरानी जो रूढ़िगत मान्यताएं हैं, जातिगत जो मान्यताएं हैं, वर्ण व्यवस्था है, इन सब में जकड़ा हुआ है। तो उस समय 1000 वर्ष पहले, जहाँ ना शिक्षा थी आम आदमी को, ना कोई साधन थे, उस समय का जो समाज था पूरी तरह मत मतांतरों में, धार्मिक रूढ़ियों में, आडंबरों में अटका हुआ था। तो सामाजिक स्थिति कुल मिलाकर उस समय की अच्छी नहीं थी। और उस युग का जो कवि है, वो पूरी तरह दरबारी कवि रहा है। उसने आम जनजीवन की समस्याओं की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दरबार में उसका एक निश्चित स्थान था, राजा का मित्र हुआ करता था, वो केवल राजा की प्रशंसा में ही लगा रहा, आम जनजीवन से उसका कुछ ज़्यादा सरोकार नहीं रहा। तो सामाजिक जो स्थिति है, उसका जो चित्रण है, लगभग लगभग कवियों ने ना के बराबर किया है। आर्थिक स्थिति, जहाँ राजा आपस में भयंकर युद्ध करते थे, छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ पड़ते थे, उस समय जो आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता था, फसलें नुकसान होती थी, तो आर्थिक स्थिति अर्थात अच्छी आर्थिक स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। धार्मिक स्थिति, उस समय धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़ते थे, छोटे छोटे मत मतांतरों में धार्मिक विश्वास बटे हुए थे। आगे चलकर तुलसीदास जी ने जो सैव वैष्णव, ज्ञान और भक्ति, निर्गुण सगुण, इन सब का जो समन्वय किया, उन सब की जड़ें आदिकाल में पहले से ही सन्नी। तो समाज धार्मिक मत मतांतरों को, रूढ़िवादिता को, अंधविश्वास को धर्म का रूप माना जाता था। तो धार्मिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सांस्कृतिक दृष्टि से जरूर उस समय के कवियों ने, सॉरी उस समय के राजाओं ने कुछ अच्छे स्थापित कला के नमूने पेश किए, तो सांस्कृतिक स्थिति लगभग लगभग उस समय की अच्छी मिलती है। तो सामाज परिस्थितियों की बात करें तो सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति उस समय की लगभग लगभग ठीक नहीं थी। तो आदिकाल की विशेषताओं के बारे में थोड़ा देखें तो आदिकाल का जो कवि है, वो उसकी जो राष्ट्रीयता की भावना है, वो पूर्णतया संकुचित राष्ट्रीयता की भावना है। वो अपने राजा का ही कवि हुआ करता था। उसके साहित्य में श्रृंगार और वीर रस का अद्भुत समन्वय मिलता है। वो कैसे कि उस समय का जो कवि है, वो दरबार में कविता करता था, उसको धन मिलता था कविता के बदले,
उस समय के जितने भी युद्ध हुए उन सभी युद्धों का जो कारण है वो स्त्री को माना गया है कि पड़ोसी किसी राजकुमारी अथवा रानी की सुंदरता का चित्रण कवि ने किया, राजा के सामने उसका वर्णन किया, तो कवि के वर्णन के फलस्वरूप वो राजा उसको प्राप्त करने के लिए उद्यत हो जाता था और उसको प्राप्त करने के लिए युद्ध ठान लेता था। और जितना ज़्यादा श्रृंगार का चित्रण उतना ही घनघोर युद्ध। तो उस समय का जो युद्धों का कारण है कवि ने नारी को मान लिया। विशलदेव रासों में राजमती कहती है, अस्त्रीक जन्म का उद्दिघोरे महेश अवर जन्म थार घणर नरेश, स्त्रियों का जो जीवन था वो बहुत अच्छा नहीं माना उस समय की परिस्थितियों में जहाँ स्त्री को मात्र युद्धों का कारण कवियों ने माना। इतिहास से उनका तालमेल नहीं खाता, अर्थात एक उनकी जो प्रवृत्ति है वो विशेषता मानी जाए कि इतिहास सम्मतता की अवहेलना है। पृथ्वीराज रासों में चंद्रवरदाई ने जो आधा तो चंद्रवरदाई ने लिखा आधा उनके पुत्र ने लिखा, पृथ्वीराज चौहान के हाथों मोहम्मद गोरी की मृत्यु दिखाई है। 8 वांस 32 गज अंगुल अश्वप्रमाण ताई पर सुल्तान है मत चुके चौहान। लेकिन इतिहासकार इस बात को नहीं मानते कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु पृथ्वीराज चौहान के हाथों हुई है। वो मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के पश्चात भी उन्होंने राज किया और अलग कोई गहवर या कोकर कोई जाति थी उसके उन्होंने उसको मारा है। तो जो इतिहास ऐतिहासिकता है उसका पूरी तरह अभाव मिलता है। उसका कारण क्या रहा कि कवि को राजा की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करनी ही होती थी क्योंकि वो राजा का मित्र भी हुआ करता था, दरबारी कवि भी हुआ करता था और कविता के बदले उसको धन भी मिलता था। और तत्कालीन जो कवि है वो कलम के साथ साथ करबालग्राही भी था, अर्थात तलवार चलाना भी जानता था। तो राजा के साथ दिन में युद्ध करता था और उसी युद्ध का जीता जागता चित्रण रात को अपनी रचना में करता था। तो उस समय के जो युद्ध हैं उनके बारे में कहा जाता है कि घोड़ों की पदचापे और हाथी की गूंज उसमें सुनाई देती है। इस तरह के शब्दों का कवि ने सजीवतापूर्ण उसका चित्रण किया है। तो आदिकाल का जो साहित्य है उसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो पृष्ठभूमि परिस्थितियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि और कवि को ज़्यादा सामाजिक परिस्थितियों से कोई ज़्यादा मतलब नहीं था। उसने आम जनजीवन की ओर अपना ध्यान नहीं दिया, उसको तो मात्र कवि को राजा की प्रशंसा, उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन और उसको कविता के बदले में धन प्राप्त करना था।